नमस्कार साथियों, हमारे अपने YouTube चैनल कुर्मी व्यूज में मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ झारखंड के वर्तमान कुर्मी सांसदों के बारे में कि वो किन क्षेत्र से जीत कर आते हैं और झारखंड में भी वर्तमान कुर्मी सांसद कितने हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने दो दिन पहले एक वीडियो पब्लिश की थी कि झारखंड के 14 संसदीय क्षेत्रों में 6 सीट को रिजर्व क्यों कर दिया गया है, तो आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा ताकि हम लोग बहुसंख्यक में होते हुए भी झारखंड में 1/4 भाग होते हुए भी हमारे सीट को रिजर्व कर दिया गया ताकि हमारे नेता का भागीदारी ना बने और हम पार्लियामेंट में ना पहुंचे। बहुत षड्यंत्र के तहत कुर्मी समुदाय को राजनीतिक गतिविधियों से दूर कर दिया गया है, तो आप हमारे उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, उस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि झारखंड में कुर्मियों के साथ किस प्रकार का षड्यंत्र सभी दल मिलकर करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग आज के टॉपिक पे बात करें। आज का हमारा जो टॉपिक है, आप थंबनेल में देखकर समझ ही चुके होंगे कि झारखंड के एमपी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अभी वर्तमान झारखंड में कुर्मी सांसदों की संख्या मात्र 2 है। एक सीट जमशेदपुर, जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के बारे में आप जानते ही होंगे, हमारा टाटानगर। और इस सीट से विद्युत बरन महतो लगातार 2 बार जीत कर निकले हैं। इससे पहले आभा महतो, शैलेंद्र महतो, ये सब भी जीत के निकलते थे। तो विद्युत बरन महतो लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी के सीट से यहाँ पर चुनाव जीत कर पार्लियामेंट पहुँचते और बहुत लोकप्रिय सांसद हैं। उनकी लोकप्रियता पूरा जमशेदपुर में फैली हुई है। वो कभी सुनील महतो के साथ मिलकर राजनीति किया करते थे। तो कुर्मी समुदाय के लिए बहुत आइडियोलॉजी भी है और कुर्मी समुदाय का बहुत काम भी करते हैं। लोकप्रिय विधायक है, लोकप्रिय सांसद है, उन्हें हमें कॉपरेट करना भी आवश्यक है। और पार्लियामेंट में बेझिझक कुर्मी समुदाय को लेकर वो अपने बातों को रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, हालांकि उन्हें उतना समय नहीं दिया जाता है। अगला सांसद हमारा है ग्रीडी के राजघराना, कुर्मी समुदाय के ग्रीडी के रामगढ़ के राजघराना परिवार के चंद्र प्रकाश चौधरी जी, जो आईसू के टिकट से जीत कर इस बार पार्लियामेंट पहुंचे हैं। लेकिन दुख की बात ये थी ना कि ये जो काउंटेशन था, इस बार हमारा 2 कुर्मी सांसद का वो 3 हो सकता था। यदि आईसू भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती तो वहाँ जगन्नाथ महतो का जीतना कंपलसरी था। इस वजह से ऐसे भी रविंदर पांडे के खिलाफ विरोधा प्रदर्शन बहुत तेजी से वहाँ चल रहा था और जितना लगभग तक ही था कि जगन्नाथ महतो वहाँ से जीत कर निकलते। पर भारतीय जनता पार्टी की माइंडसेट का है या कुछ और सोच का है, उस सीट पर चंद्र प्रकाश चौधरी को लड़ाया और चंद्र प्रकाश चौधरी कुर्मी वोटो, वहाँ बहुल क्षेत्र है कुर्मी की, और कुर्मी वोट से जीत कर वो इस बार पार्लियामेंट पहुँचे। ये संख्या 3 हो सकती थी लेकिन वो 2 पे है। इस बात का मुझे दुख है कि जगन्नाथ महतो इस बार पार्लियामेंट नहीं पहुंच पाए लोकसभा के। वो जरूर पहुंच सकते थे क्योंकि इस बार उनका जीतना लगभग तय ही था। एक और सीट है हजारीबाग, वो भी कुर्मी बहुल क्षेत्र है। उनका जो सांसद है अभी वो जयंत सिन्हा है, वो कश्यप है। और कश्यप कौन कैसे बना इसके बारे में आप पढ़िएगा। मैं यदि इस पर बोलूँगा तो वो अभी मेरे को बाहरी भीतरी वाला टेग लगेगा, इसलिए मैं इस पर अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। तो मित्रों, आप यदि कुर्मी हो तो ऑब्वियसली आपको झारखंड के कुर्मी होने पर गर्व होगा। तो अभी वर्तमान में हमारे 2 ही कुर्मी सांसद हैं। तो भाई, मैं इस चैनल पर कुर्मी से रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा और जितने भी कुर्मी सांसद हैं ना उनके बायोग्राफी पर भी मैं वीडियो डालूँगा। तो आप हमारे इस चैनल के साथ, छोटा सा चैनल है, नई चालू हुई है, तो हमारे इस चैनल के साथ आप जुड़ जाइएगा ताकि आपको झारखंड से रिलेटेड, झारखंड के कुर्मी समुदाय से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। और दोस्तों, मैंने शायद लाइक के बारे में आपको नहीं बोला, तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा यदि आप कुर्मी हो तो। और साथ ही साथ मेरे से हो सके कुछ जानकारी छूटी हो या कुछ सजेस्ट करना हो तो कमेंट पड़ा हुआ है, कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों, कुर्मी हैं तो पूरे झारखंड में फैलाइए ताकि बहुत सारे, जब चंद्र प्रकाश चौधरी जी चुनाव लड़ रहे थे ना, तो बहुत सारे धनबाद या ग्रीडी लोकसभा या ग्रीडी लोकसभा में अपना बागड़ा गांव भी आता है, जो अपना मौसी का गाँव है, मौसी घर है, तो उनको यही पता नहीं था कि चंद्र प्रकाश चौधरी कुर्मी है। वो हमारे कुर्मी हैं और वो राजघराना के कुर्मी हैं, रामगढ़ के। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर कुर्मी समुदाय से रिलेटेड टॉपिक मिलती रहेगी। तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। जय कुर्मित्व, जय शिवाजी, जय भवानी। विनोद बाबू अमर रहे।
स्वर्गीय शक्तिनाथ महतो अमर रहे।